हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कंप्यूटर्स टू सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर्स की। तो देखिए, लार्ज कंप्यूटर से सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर में इसलिए कन्वर्जन हुआ क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें डे बाय डे बेसिस पे काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुए, ठीक है। और उस तेज़ी से डेवलपमेंट का इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि कंप्यूटर का साइज़ जो है एकदम छोटा होता चला गया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो लार्ज कंप्यूटर्स आते थे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे करके एक सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर्स में। तो आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि धीरे धीरे ये एडवांसमेंट कैसे होता गया। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने देखा है कि लास्ट मेनी डिकेड्स से, कई दशकों से जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जिससे आईसी वगैरह बनाई जाती है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होते चले गए, ठीक। और उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कंप्यूटर्स पे, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग बात करें कि शुरुआत में 1960s में क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही मतलब रेयरली यूज डिवाइस थे। और वो कहाँ पे यूज़ होते थे, जैसे जो बड़ी कंपनीज थी, बिग कॉरपोरेशन में, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होते थे, या आप मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते थे, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी केवल वहाँ पे यूज़ होते थे कंप्यूटर। और या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, ठीक है। इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट पड़ा कि उस समय जो कंप्यूटर थे आपके, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे और उनकी जो कॉस्टिंग थी वो मल्टी मिलियन डॉलर की भी थी। द रेंज ऑफ कंप्यूटर्स जो उस समय थे, वो उनकी जो कॉस्टिंग थी वो मल्टी मिलियन डॉलर की थी, ठीक है। धीरे धीरे जब एडवांसमेंट होता गया तो आज की डेट में जो है, आज की डेट में जो कंप्यूटर हैं वो आपके मल्टी मिलियन से लेकर और लेस देन 1000 यूएस डॉलर तक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का ये इफ़ेक्ट पड़ा कंप्यूटर्स पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर्स जो है, डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर हैं वो डिज़ाइन किए गए डिफरेंट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे सम आर सुटेबल फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन वाइल अदर्स आर यूज सिंपली फॉर टर्निंग अप्लाइंसेज ऑन एंड ऑफ। मतलब कुछ कंप्यूटर तो इतने पावरफुल हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, दे आर वेरी सॉफ्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन, ठीक है। तो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, और कुछ इतने सिंपल होते हैं कि वो सिंपली अप्लाइंसेस को ऑन या ऑफ करने में यूज़ होते हैं, अप्लाइंसेस को ऑन या ऑफ करने में यूज़ होते हैं अब आज की डेट में। तो इसी जो डेवलपमेंट होता गया उससे ये फ़र्क पड़ा कि 1970s से पहले तक क्या हुआ कि कंप्यूटर को ब्रॉडली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, किसमें मेन फ्रेम और आपका मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इसमें हमने डिवाइड किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो इनमें जो डिफरेंस है, जैसे मेन फ्रेम और मिनी में जो डिफरेंस था, वो धीरे धीरे ब्लर होता चला गया, मतलब बहुत कम डिफरेंस रह गया, या मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में जो डिफरेंस था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होता चला गया, ब्लर होता चला गया, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट का फ़र्क पड़ा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का कंप्यूटर्स पे। तो इसलिए अब आज की डेट में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज लार्ज। अब आज की डेट में, प्रेजेंट डे में जो है, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में, ठीक है। एक तो हो गया आपका लार्ज साइज कंप्यूटर, दूसरा हो गया आपका मीडियम साइज, और तीसरा जो हो गया आपका वो हो गया माइक्रो कंप्यूटर, तीसरे हो गए आपके माइक्रो कंप्यूटर, ठीक।
अब हम लोग बात करते हैं लार्ज साइज कंप्यूटर की। तो देखिए लार्ज साइज कंप्यूटर में क्या होता है कि इन केस ऑफ लार्ज साइज कंप्यूटर्स, ठीक है, लार्ज साइज कंप्यूटर में क्या होता है कि दे आर लार्ज जनरल पर्पस मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कंप्यूटर्स डिजाइन टू परफॉर्म सच डेटा प्रोसेसिंग टास्क एज कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस हैंडलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर लार्ज कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये जो लार्ज कंप्यूटर थे ये लार्ज इन साइज थे, पहली चीज, ठीक। दूसरा क्या है, ये मल्टी यूजर है यानी कई यूजर एक साथ इनको यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका कि मल्टी टास्किंग है, मतलब कई काम आप इनसे एक साथ करा सकते हैं, मल्टी टास्किंग। और ये डिज़ाइन किए गए थे, स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ये हैंडल कर सकते हैं। और दे आर जनरली यूज्ड इन लार्ज कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स को, ये जो लार्ज साइज कंप्यूटर थे, इनको बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, और दूसरा हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि द प्राइस रेंज रेंजेस फ्रॉम 1 लाख $ टू मिलियन ऑफ डॉलर्स, ठीक है। इनकी जो प्राइस होती है वो आपका मान लीजिए $1 लाख से लेकर और मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द दियर स्पेसिफिकेशन, बिलियंस डॉलर प्राइस होती है इनकी। मेन फ्रेम क्या होते हैं इसमें, मेन फ्रेम जो है, अच्छा इसमें अगर हम लोग बात करें कि कुछ एग्जाम्पल की कि कौन से ही कंप्यूटर है, तो जैसे देखिए IBM ने बनाया था, IBM सिस्टम, और मॉडल नंबर था इसका 390 सीरीज। ये जो 390 सीरीज थी ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर थे। उसके बाद क्रे ने बनाया, तो क्रे कंप्यूटर्स जो थे, क्रे कंप्यूटर्स, अब इसमें क्रे कंप्यूटर में जैसे आपका क्रे 2 था, क्रे 2 या YMP था, ये सब पावरफुल कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किए गए। अब आ जाइए मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो जब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि दे आर हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड देयर वर्ड लेंथ जनरली रेंजेस फ्रॉम 32 to 64 bit। पहली बात तो ये कि ये हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं, और दूसरा क्या है कि इनकी वर्ड की लेंथ, जो आप इसमें वर्ड लेते हैं उसकी लेंथ 32 bit से 64 bit तक हो सकती है। तो पहला तो एडवांटेज ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर का। उसके अलावा और क्या स्पेशलिटी कि दीज कंप्यूटर्स वर कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी एंड हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ पेरिफेरल एंड ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर। तो ये जो कंप्यूटर थे, जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम, ये एक तो बड़ी मेमोरी को, मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को ये हैंडल कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड क्या है कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आपके इस चैनल पे भी अवेलेबल है, और जो मेरा दूसरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटेटिव के नाम से, उस पर पूरी मैं उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा आपके आई बटन में। तो पूरी कंप्यूटर की सीरीज पड़ी हुई है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइस, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर हैज बीन एक्सप्लेन इनटू दोज वीडियो लेक्चर्स। तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। तो मेन फ्रेम जो है मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को भी हैंडल कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है, इट कैन हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ पेरिफेरल, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस, ऑल टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड है उनको हैंडल कर सकते हैं। और तीसरा क्या है आपका कि लार्ज नंबर ऑफ यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, तो दे कैन हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। तो ये एडवांटेज थे किसके, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब
इसके बाद जो सुपर कंप्यूटर थे, जैसे सुपर कंप्यूटर का अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, सुपर कंप्यूटर क्या था? सुपर कंप्यूटर था आपका क्रे 2, ठीक है, और आपका YMP, ठीक है, ये सब क्या थे? ये सब जो थे आपके 64 बिट हाई परफॉर्मेंस एंड हाई स्पीड कंप्यूटर थे, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई स्पीड कंप्यूटर, ठीक है, दे आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी ये जो कंप्यूटर थे ये मिलियन भी नहीं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये इनकी पावर है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जनरली ये यूज कहाँ पे होते हैं? जनरली ये यूज होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, और जनरली वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स किस एरिया के होते हैं? रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, और हाई एनर्जी फिजिक्स में, हाई एनर्जी फिजिक्स में। तो ये इतने तगड़े कंप्यूटर होते हैं कि इन एरियाज में ये यूज होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आया इनके बाद वो आया मीडियम साइज कंप्यूटर, मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम साइज कंप्यूटर में क्या हुआ कि इन द 1960 दीज कंप्यूटर वर डिजाइन टू मीट द इंस्ट्रक्शनल नीड्स ऑफ स्मॉल कॉलेजेस, स्मॉल फैक्ट्रीज एंड डाटा प्रोसेसिंग टास्क ऑफ मीडियम साइज बिजनेस। तो ये जो कंप्यूटर डिजाइन किए गए 1960s में, ये डिजाइन किए गए क्योंकि उन जगहों के लिए जहां पे इतने पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं थी, जैसे आपका स्मॉल कॉलेज हो गए, ठीक है, तो वहां पे डाटा भाई इनके कंपैरिजन में कमी होगा, या स्मॉल फैक्ट्रीज हो गई, स्मॉल फैक्ट्रीज में पेरोल हो गया और आपका अकाउंटिंग हो गई, उन सब के लिए। और तीसरा आपका क्या है कि जैसे डाटा प्रोसेसिंग जो टास्क थे मीडियम साइज बिजनेस हो गए, मीडियम साइज बिजनेस हाउसेस, ठीक है, इन जगहों के लिए ये मीडियम साइज कंप्यूटर डिजाइन किए गए। और इनको कहा कहा क्या गया? देवर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर, देवर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर थे ये स्लोअर थे और स्मॉलर इन मेमोरी कैपेसिटी थे देन मेन फ्रेम। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से उनसे इन मिनी कंप्यूटर की स्पीड कंपेरेटिवली स्लो थी और जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो कंपेरेटिवली कम थी, इसीलिए इनकी प्राइस भी कंपेरेटिवली कम थी, ठीक है। इनकी प्राइस जो है मान लीजिए आपकी 25,000 US डॉलर से लेकर और आपका 1 लाख US डॉलर तक, ठीक है। तो जिसको जैसी ज़रूरत थी, अगर बहुत तगड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत है तो आदमी इधर जाता था, सुपर या मेन फ्रेम लेता था, अगर मीडियम साइज़ का बिजनेस है, कॉलेज है, फैक्ट्रीज है, तो मिनी कंप्यूटर में उनका काम हो जाता था, ठीक है। अब अगर कुछ मिनी कंप्यूटर की आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए डिजिटल इक्विपमेंट ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट जो कंपनी है, डिजिटल इक्विपमेंट ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने बनाया था मिनी कंप्यूटर PDP, इसका मॉडल नंबर था PDP-11/45, ये एक मिनी कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, ठीक। फिर डाटा जनरल ने, डाटा जनरल इस कंपनी ने बनाया था नोवा के नाम से, नोवा, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि हाउएवर करेंट लो एंड मेन फ्रेम्स एंड हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर्स ओवरलैप कंसिडरेबली इन प्राइस, परफॉर्मेंस एंड एप्लीकेशन विद ट्रेडिशनल मिनी कंप्यूटर, देयर फोर द टर्म मिनी कंप्यूटर इज बिकमिंग ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा मान लीजिए ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ठीक, उसके बाद ये हमारे मिनी आ गए और फिर हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए, ठीक। तो अगर हम लो एंड मेन फ्रेम की बात करें और हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो करीब करीब एक दूसरे से ओवरलैप कर जा रहे थे, इस रेंज में आ जा रहे थे, और ये रेंज कौन सा था? मिनी कंप्यूटर का।
तो जब हम अगर लो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लें या थोड़ा सा हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर ले लें, तो हम मिनी वाली जो स्पीड थी, जो मेमोरी कैपेसिटी थी, उसको ऑलरेडी हम अचीव कर ले रहे थे। तो यानी कि लो एंड जो मेन फ्रेम थे और हाई एंड जो माइक्रो कंप्यूटर थे, ये एक दूसरे में ओवरलैप कर जा रहे थे। ओवरलैप कर जाने से क्या हुआ कि ये मिनी कंप्यूटर जो इन दोनों के बीच में थे, ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये ऑब्सोलीट हो गए, यानी इनका यूज ही बंद हो गया, यानी फिर इनका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। तो अब आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, पावरफुल कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, और नहीं तो फिर आपके स्मॉल हाउसेज, मीडियम साइज बिजनेस और इन सब के लिए फिर माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स हम लोगों के इस समय वाइडली यूज हैं उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि जो बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर थे, बड़े बड़े मतलब रूम साइज तक के कंप्यूटर थे, वो सब अब कन्वर्ट होके एक सिंगल चिप पे एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।